के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था, उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बिजली की, आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपका बिजली का जीरो बिल आएगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फिर लगभग 50% के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके मोटे मोटे तौर पे दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर वन, जैसा हमने पानी के क्षेत्र में कहा था कि एक लाइफलाइन कमिटमेंट सरकार का होना चाहिए। आज 200 यूनिट कुछ भी नहीं होते। 200 यूनिट का मतलब आप एक फ्रिज, एक टीवी, दो बल्ब, पंखे, इतने में 200 यूनिट। तो अगर हमारा ये मानना है कि अगर कोई आदमी गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो आदमी पानी नहीं पिएगा, क्या वो आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा? तो एक उस लेवल का बेसिक लाइफलाइन का कमिटमेंट सरकार ने जैसे पानी के क्षेत्र में दिया था, ऐसे बिजली के क्षेत्र में दिल्ली सरकार दे रही है। मैं बीजेपी वालों को कहूंगा, पहली चीज तो ये बताएं कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे वो अपनी प्रतिक्रिया दें। दूसरी चीज, मुंबई में 1400 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, मुंबई में फ्री करें जाते हैं। 400 यूनिट के 3310 रुपए लेते हैं, हम 1075 लेते हैं। सोचो कितना घपला हो रहा है मुंबई के अंदर, हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिल्ली में अगर 1075 और मुंबई में 3310, तो सोचो कितना घपला हो रहा है। उसके बाद हरियाणा में 910 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, हम जीरो लेते हैं। गुड़गांव में 1820 रुपए लेते हैं 400 यूनिट के, हम 1075, तो